दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू AAT न्यूज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी स्लैम बीजेपी गवर्नमेंट ओवर गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इशू द ऑर्डर टू क्लोज ऑल मटन एंड चिकन शॉप्स ऑन एवरी ट्यूजडे, वॉच फुल स्टेटमेंट। और आपने ट्वीट किया कि जुम्मे के दिन जो है तालाब बंद किया जाए, तो उसका इसका क्या संबंध है सर, क्या कनेक्शन है? देखिए, हर चीज अगर आप फेथ की बुनियाद पे करते जाएंगे तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट के संविधान के प्रियाम्बल के खिलाफ है। अब खाना भी अगर फेथ की बुनियाद पर बिकेगा, कौन क्या बेचेगा फेथ की बुनियाद पर अगर फैसला होगा, तो फिर क्या ये मुल्क कोई थियोलॉजिकल कंट्री हो गया है क्या? जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर सबको मालूम कि इस मुल्क का कोई फेथ नहीं है, ये मुल्क सब फेथ को मानता भी है, जो नहीं मानता उनको ही मानता है। और अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूं या मच्छी खरीदता हूं या मटन खरीदता हूं या बीफ खरीदता हूं और जो इलीगल नहीं है, और मैं अपने घर में पका के खाता हूं, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं ना खाने के लिए, मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूं। तो आप बोल रहे हैं हमारा ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहां पर लिखा हुआ है, किसने अख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते, गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहां ट्यूजडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते भाई, मेरे घर में क्या पकेगा? मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। और आप बोल रहे नहीं बिलीफ है, फेथ है, ये कहां से आ रहा है फेथ बिलीफ? क्या इस देश को आप बिलीफ के ऊपर चलाएंगे या संविधान पर चलाएंगे? अगर ये देश बिलीफ पर चलेगा तो फिर संविधान क्यों है? निकाल दीजिए संविधान, खत्म कर दीजिए संविधान को। आप फिर एक मजाक बनाकर रखे हैं कि आप लोग, आप सत्ता में है तो सत्ता में है तो आपका बिलीफ है, फेथ है। अगर अगर यही आपका फेथ और बिलीफ है तो मेरा भी फेथ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, आप फ्राइडे के दिन शराब की दुकान बंद कर दीजिए, शराब बेचिए मत। आप एक मजाक बनाकर रखे हैं भाई, आप कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे? अच्छा, फिर ये क्यों कानून नहीं बनाते वो गुरुग्राम में कि भाई जितने हमारे गुरुग्राम में 5 स्टार हैं वो गोश्त नहीं बेचेंगे? बनाइए ना, चलिए बोल दीजिए पूरे 5 स्टार होटल में गोश्त नहीं बिकेगा, कोई सर्व नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी प्लुरलिज्म को खत्म करके इस देश को एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा ये प्राइवेट राइट है मेरा, मैं अपने घर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा उससे आपको क्या, आप क्यों मुंडी झांक रहे हो उसमें, डाल रहे हैं अपना सर झांक रहे हैं मेरे घर में? ये सरासर गलत फैसला लिया गया है। और इसी